फिल्म पठान छप्पड़ फाड़ पैसा कमा रही है। पहले दो दिन गजब के रिकॉर्ड बनाने के बाद तीसरे दिन भी पठान का कलेक्शन जबरदस्त रहा। एस्टिमेट है कि फ्राइडे को शाहरुख खान की इस फिल्म ने करीब 35 करोड़ की कमाई की। रिलीज के तीन दिन के अंदर ही फिल्म ने करीब 163 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये आंकड़ा सिर्फ भारत का है, दुनिया भर में तो फिल्म ने 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और अभी तो वीकेंड भी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत आराम से पठान बॉलीवुड की 400 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक अहम जानकारी, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट और इस दिन जुड़ी एक खास कवरेज के लिए दी ललन टॉप के साथ। क्या लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ LTCG छूट की सीमा बढ़ेगी या नहीं? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पे, जो हमारा ओपिनियन पार्टनर है। पठान बुधवार 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। वीकडे होने के बावजूद इस दिन फिल्म ने 57 करोड़ रुपए कमाए। पठान ने ओपनिंग डे कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर अगले दिन 26 जनवरी की छुट्टी का भी जबरदस्त फायदा हुआ, क्योंकि जो लोग 25 को फिल्म नहीं देख पाए वो ये फिल्म 26 को देखने गए। दूसरे दिन 71 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। एक दिन में इतना कलेक्शन इंडियन सिनेमा के लिए अनसुनी रकम है। अब तक दूसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड KGF 2 के नाम था, जिसने 53.95 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने के बाद दूसरे दिन 46.79 करोड़ रुपए कमाए थे। तीसरे दिन रफ्तार थोड़ी कम रही और फिल्म ने 35 करोड़ रुपए कमाए। रिलीज के तीसरे दिन बजरंगी भाईजान से लेकर PK, धूम 3, सुल्तान सब इसी रेंज में रही है। शाहरुख की अब तक कोई भी फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में नहीं थी। पठान से पहले उनकी सबसे कमाऊ फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन 227 करोड़ रुपए था। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 दिन के अंदर ही फिल्म के 1 करोड़ टिकट बिक जाएंगे। शनिवार और रविवार को फिल्म बड़ा नंबर स्कोर करेगी। कहा जाता है कि किसी फिल्म की असली परीक्षा वीकेंड के बाद यानी सोमवार से शुरू होती है, मगर पठान सोमवार आने से पहले ही ब्लॉकबस्टर होने के रास्ते पर निकल गई है। फिलहाल पहले वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड सलमान खान की सुल्तान के नाम है। पहला वीकेंड यानी फिल्म की रिलीज वाले दिन से लेकर रविवार तक के कलेक्शंस। 2016 में आई सुल्तान भी बुधवार को ही रिलीज हुई थी। रविवार तक इस फिल्म ने 210 करोड़ रुपए कमाए थे, मगर फाइनली 7 साल के बाद सलमान का ये रिकॉर्ड शाहरुख खान तोड़ने जा रहे हैं, वो भी बड़े मार्जिन से। पठान में शाहरुख खान के साथ जॉन इब्राहिम, दीपिका पादुकोण, डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इसके अलावा फिल्म में सलमान खान भी कैमियो करते नजर आए हैं। पठान को बैंग बैंग और वॉर फेम सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी ज्योति ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।